नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। तुम्हारे सर में दर्द है ना, ले लो, ठीक हो जाएगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं। तो फिर वो सर दर्द बहाना था ना? हाँ। क्यों? इसकी वजह तुम जानती हो। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। तो सुनो, इस कसम की बेहयाई, बेपर्दगी, बेशर्मी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। कब से? म्यूजिक, पार्टीज और रात के तक दोस्तों के साथ डांस करना, यही तो हमारी जिंदगी थी। आपको जिंदगी में शर्मी कब से बन गई? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि अगर हमें जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारना है तो सिर्फ एक दूसरे का होकर रहना पड़ेगा। अगर मैंने किसी और का होना होता तो 5 बरस काफी थे, मैं भी अपना घर बसा सकती थी। लेकिन वो जगह जो तुम्हारे जाने से खाली हो गई, मैंने उसे कभी भरना भी ना चाहा। क्या तुम समझते हो कि अब तुम्हें पा लेने के बाद किसी और का ख्याल भी मेरे दिल में आ सकता है? मैं दिल के साथ साथ जिस्म की बात भी कर रहा हूं। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं कि तुम मुझसे इस किस्म का बेहतर सवाल भी कर सकते हो। Maybe you and Rita will be happier there. मैं सोचूंगा इसके बारे में। मम्मी मम्मी देखो, जी क्या हो गया? अभी ठीक करती हूँ। ठीक है ना? हाँ सर। मुझे मालूम है तुम्हें क्या चाहिए। ठहरो। क्या? रीता, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो। विजय बेटे, तुम बाहर खेलना। क्यों पापा? जैसे पापा कहते वैसे करो। क्या? बैठे रीता। शायद तुम जानती हो कि मिस्टर बेल का वुल्वरहैम्पटन में भी एक ऑफिस है। उन्हें वहां एक एक्सपीरियंस मैनेजर की जरूरत है। इससे भी बड़ा एक मकान है उनका वहां, जो हमें रहने के लिए मिलेगा। हम कल ही वहां चले जाएंगे। तुमने ये फैसला कर लिया है? हाँ, मैंने फैसला कर लिया। मुझसे सलाह किए बगैर? पत्नी अपने पति की जिंदगी में बराबर की हिस्सेदार होती है। जिस तरह वो अपने पति की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकती, उसी तरह पति को भी अपनी पत्नी की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करना चाहिए। और तुम मेरे होने वाले पति हो, मालिक नहीं। अपने आप को थोड़ा सा बदल डालो रीता। हाँ हाँ, अपने आप को बदल डालो और सीता बन जाओ। यही ना राजेश, जब तुम्हारे पास सीता थी
तो तुमने उसे रीता बनाना चाहा। अब जब रीता है उसे सीता बनाने की कोशिश कर रहे हो। क्यों राजेश, क्यों? मैंने वुल्वरहैम्पटन जाने का फैसला इसलिए किया रीता कि वहां हम दोनों की जिंदगी में दखल देने वाली कोई भी चीज ना होगी। और ये फैसला मेरी मर्जी के खिलाफ है। मैं लंदन जैसी जगह छोड़कर वुल्वरहैम्पटन जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। मैं विजय को भी अपने साथ ले जा रहा हूँ। नहीं, वहां उसका ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारे आने से पहले विजय का ख्याल कौन रखता था? अगर बाद में बैठ के रोना था तो उसे जाने क्यों दिया? रोक क्यों नहीं लिया उसे? मैं क्यों रोकूंगी उसको? क्यों, प्यार नहीं है तुम्हें उससे? क्या वो नहीं जानता कि मैं उससे प्यार करती हूँ? क्या वो जानता नहीं कि विजय के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती? वो जानबूझकर उसे ले गया है। वो समझता है कि मैं भागी भागी उसके पीछे जाऊंगी, लेकिन वो गलत समझता है। मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगी, मैं कभी नहीं जाऊंगी। रीता, मेरी और यूसुफ की शादी को 7 बरस हो गए, हमें तो अभी तक जी भर कर प्यार करने को भी वक्त नहीं मिला। तुम लोग झगड़े के लिए वक्त कहां से निकाल लेते? रीता रीता, ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करके इसे जाया मत कर। ये तुम अपने भाईजान को क्यों नहीं समझाते हो? लो आ गया मेरे भाईजान का फोन। हेलो राजेश। हेलो मामी। विजय, तुम कैसे हो बेटा? अच्छे हो ना? हाँ, और पापा कैसे हैं? पापा रोते थे। पापा रो रहे थे, क्यों? खाना नहीं खाया? मम्मी कम ना। हाँ बेटा, मैं जरूर आऊंगी। नहीं नहीं, मैं ट्रेन में नहीं, मैं टैक्सी में आऊंगी, जल्दी से। अच्छा, पापा से कह देना मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगी। अच्छा, ओके विजय, बाय बाय डार्लिंग, बाय बाय। हेलो। हेलो पापा। हाँ विजय, क्या बात है बेटे? पापा, मम्मी इज कमिंग। मम्मी आ रही? उसने फोन किया था। क्या बजे आ रही है बेटे? 5 बजे। चाय हमारे साथ पी। तुम कहाँ जा रहे हो? केक लाने के लिए। ओके विजय, ओके, बाय बाय। बाय बाय। Has he hurt himself? It's okay. He's all right. क्या तुम्हारी माँ मुझ जैसे लगती है? बिल्कुल तुम जैसे लगती है। तुम कहाँ रहते हो? बेटा मैं करती हूँ। तुम्हारी मम्मी दीदी कहाँ है? वो तो शाम को आएंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। अच्छा नहीं, मम्मी डैडी की फोटो देखो। अच्छा देखो। दिखाओ। पहले आंखें बंद करो। ओ, अब आंखें खोलो। मम्मी और ये मेरे पापा,
पापा। आगे देखो ना, ये है मम्मी और पापा। मम्मी मेरी बहुत अच्छी है। अच्छी है ना मम्मी? अच्छी है ना? हाँ क्या बात है? सुनो, तुम्हारे डैडी बहुत खुश हैं। बात? और तुम्हारी डैडी मम्मी को बहुत प्यार करते हैं। भगवान तुमको सुखी रखे। मैं चलती हूँ। मेरे बेटे, don't cry, तुम अच्छी हो। और मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ। मैं अच्छी होती तो ये घर, मेरे पति और तुम मेरे बेटे, अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ। सुखी रहो, जीते रहो बेटे, जीते रहो। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती। अगर तकती मुझे उनके सामने फिर ले आए तो अंधेर हो जाएगा, एक बसता हुआ घर उजड़ जाएगा। अगर आज की शाम तुम्हारे नसीब तुम्हें कोई और रंग दिखाना चाहे तुम भाग नहीं सकोगी। सीता, विजय, मम्मी ने फिर फोन किया? अच्छा मैं भी आ। पापा आओ, जी आओ। बेटे ऑफिस 20 मील दूर है, लेकिन मैं 5 बजे से पहले पहुंच जाऊंगा। सीता तुम? नहीं, मैं सीता नहीं हूँ। तुम सीता हो ना? मुझे छोड़ दीजिए। तुम झूठ बोलती हो। सीता, मैं सीता नहीं हूँ। नहीं, मैं सीता नहीं हूँ। मैं आपकी कुछ नहीं हूँ। तो एक नर्स है, उसने मुझे जान बचाई थी। वो नर्सिंग होम में रहती है। तुम अपने कमरे जाओ बेटे, अपनी मम्मी से कुछ मत कहना। राजेश, मैं नहीं जानती थी कि तुम दरवाजे पे मेरा इंतजार कर रहे होगे। मैं किसी काम से बाहर जा रहा था। मैं भी चलूं? तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आ गया। ओ, मैं समझ गई, तुम आज शाम के लिए कुछ खास इंतजाम कर रहे होगे, है ना? हाँ, ऐसे ही कुछ। आज की शाम सुहानी होगी, है ना? रीता, तुम यहाँ नीचे बैठो, मैं अभी आ गया। थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। सीता हो, राजेश की पत्नी और विजय की माँ, और तुम वो देवी हो जिसने बिन माँ के बच्चे को माँ का प्यार दिया, मेरे पति के वीरान दिल को खुशियों से भर दिया। अगर तुम सच्चे दिल से कह रही हो तो दोबारा उनके जीवन में आने की क्या जरूरत थी? मैंने तो ऐसे कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तो मर जाने की कोशिश भी की थी, लेकिन एक नर्स ने मुझे बचा लिया। और आज भी जब अचानक मेरे सामने आ गए थे,
मैंने उसे कहा मैं सीता नहीं, लेकिन वो मैं बेहोश हो गई थी, मुझे यहां ले आए। अब राजेश घर में नहीं, तुम चाहो तो जा सकती हो, मैं अभी चली जाऊंगी, लेकिन इस तरह नहीं, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? हम दोनों में से एक को हमेशा के लिए जाना ही होगा। तुम्हें राजेश के आने तक ये फैसला कर लेना चाहिए सीता, कि इस दुनिया में तुम रहोगी या मैं, ताकि फिर ये सवाल कभी ना उठे कि राजेश की पत्नी कौन है और विजय की माँ कौन। उनके लिए सब कुछ तुम ही हो रीता, वो दोनों तुमसे बहुत खुश हैं। उनकी खुशी के लिए एक बार तो क्या, हजार बार संसार से जाने के लिए तैयार हूं। तो बैठो, मैं अभी आती हूं। झूठ है, उसका नाम सुधा नहीं सीता है। आज से 5 बरस पहले उसने खुदकशी करने की कोशिश की थी, शायद आपने उसे बचा लिया हो। आज अचानक मुझे अपने सामने देखकर वो बेहोश हो गई। आपको गलतफहमी हो रही है, अगर आप ठीक कहते हैं कि वो आपकी पत्नी है तो वो आपको देखकर बेहोश क्यों हो जाती? क्योंकि वो मेरे सामने कभी नहीं आना चाहती थी। वो जानती थी कि जब तक हम दोनों साथ हैं मैं कभी खुश नहीं रह सकता, इसीलिए उसने खुदकशी करने की कोशिश की। तो आज उसे देखकर आपको कौन सी खुशी मिल गई है जो उसकी पूछताछ करने आ गए हैं? अब आपके पास सीता से अच्छी पत्नी है, आपका बेटा विजय उसे सगी माँ से बढ़कर समझता है। अब आपको ये जानने की क्या जरूरत है कि जो औरत आपको देखकर बेहोश हो गई वो सीता है या नहीं? मैं नहीं चाहती कि हमारी जिंदगी का फैसला होने से पहले राजेश आ जाए। एक मिनट के अंदर अंदर अगर तुमने ये जहर ना पिया तो मैं पी लूंगी। गलती से चाबी भूल गए थे, ऐसे शक करके क्यों देख रहे हो मुझे? आप तो खामखा घबरा गए थे, इन्होंने शायद नींद की गोली खा ली होगी। मैंने सीता को नींद की गोलियां इसलिए दी ताकि तुम्हारे आने से पहले वो इस घर से ना जा सके। मैं जा रही हूं राजेश, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूं और विजय के बगैर शायद मैं जिंदा भी ना रह सकूं, लेकिन तुम दोनों पर मुझसे ज्यादा सीता का हक है। मुझे तुमसे सिर्फ एक शिकायत है राजेश, ना तो तुमने सीता को समझने की कोशिश की ना मुझे, उसे खुश रखना राजेश।
के मत जाओ मम्मी, मैं मर जाऊंगा मम्मी। सुनो विजय, तुम अपने घर चले जाओ। मैं मम्मी। सुनो पोटर, इसको इसके पेरेंट्स के हवाले कर देना। इसके पिता का नाम है राजेश चोपड़ा। प्लीज कभी पता नहीं चलेगा कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ। मम्मी 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 जिसके नसीब में था वो उसे मिल गया। ये।